दोस्तों मैं नीरज और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूं मैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो कुछ ऐसे टॉपिक पे रहने वाली है जो कि सभी प्लांट्स के हमारे गार्डनर्स को जो है वो फेस करना पड़ता है, यानी कि जो नए गार्डनर्स हैं उनको कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे फेस करना पड़ता है। तो उसके जो सिम्टम्स हैं कैसे आप पहचान सकते हैं कि उस प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम्स है और हमें क्या क्या जो है उसके साथ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, सामने जो मेरा प्लांट है ये है मेरे एक फ्लाई व्हील मिनीचर वैरायटी का है, जिसमें जो छोटे साइज़ के जो फूल है वो आते हैं। इसको जो मैंने पिछले साल बाई किया था, लेकिन पिछले साल में जो है काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस साल जो है इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो देखिए हम जानेंगे किस वजह से जो इसमें फ्लावरिंग या हमारा प्लांट है नहीं कर रहा है, क्या क्या जो परेशानी के साथ ये फेस कर रहा है, यानी क्या क्या इसके जो है दिखते हैं यहाँ पे है। जबकि मैंने इसको समय रहते पर देखा है, जो है इसकी प्रूनिंग भी की थी, इसका जो है मैंने फर्टिलाइज भी किया था, इसकी जो है मैंने गुड़ाई भी की थी, फिर भी ये प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप देखेंगे तो इसमें जो लीव्स है वो एक दो इसमें छोटी छोटी लीव्स निकाल रहा है, जिस वो भी इसका जो कलर है बिल्कुल फेड है, डल है। तो हम आपके साथ भी ऐसे कई सारे प्लांट्स रहते होंगे जिनके साथ ऐसी परेशानियाँ रहती होंगी, तो किस वजह से सब चीज़ें हैं ये रहती हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में कुछ जो मेरी वर्किंग टेबल है तो उसको थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइम पूरी गंदी हो रखी है, मैंने इसको जो है सफाई यहाँ पे नहीं किया है। और तो देखिए इस तरह से जब हम इस प्लांट के साथ सारा कार्य कर दिया है, इसको प्रॉपर तरीके से कुछ न्यूट्रिशन वगैरह दिया है, फिर भी इस प्लांट ने ग्रोथ नहीं की, तो देखिए इसके पीछे जो है कई सारे कारण हो सकते हैं। तो कैसे क्या कारण है, एक तो सबसे पहले जैसे इस पर फंगस वगैरह थी, आपने जो है इस पर प्लांट पर स्प्रे भी ले लिया, इसकी प्रूनिंग भी कर दी थी, मैंने इसमें जो है खाद दी थी, आपने भी खाद दी होगी, फिर भी जो प्लांट आपका नहीं चला। तो देखिए आपके साथ करना क्या है, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जब ऊपर से आप सारे कार्य कर चुके हैं, आपने वाटर लेवल का भी ध्यान रखा, फिर भी इस प्लांट ने ग्रोथ नहीं करी, तो उसके बाद जो इसमें मैं कहूँगा जो मेन जो मुद्दा आता है वो कहाँ पे रहता है, देखिए वो रहता है आपके जो प्लांट है उसके पॉट के ऊपर। तो सारी समस्या वहीं से है। तो पॉट में क्या क्या समस्या हो सकती है, एक तो देखिए जैसे कि हो सकता है कि आप जैसे आप किचन वेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, वो खाद आप यहाँ पे डालते हैं अपने प्लांट्स में, तो देखिए आपने हो सकता है कि नीचे वो कच्ची रह गई होगी, जिसके कारण इसमें जो है छोटे छोटे देखिए कीट वगैरह हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या रहता है कि प्लांट जो चींटियाँ हैं वो अपना घर बना लेती है गमले के अंदर, जिसके कारण जो प्लांट आपका अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसको काफ़ी सारी परेशानियाँ यहाँ पर रहती है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक करता हूँ कि इस पॉट को देखिए जो है मैं इसको जो है पहले बाहर निकाल लेता हूँ इसके रूट बॉल को, और जैसे इस पर कैसे यहाँ पे रहेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं और आगे चलते हैं यहाँ पे तभी हम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकालने का जो इसमें समस्या है वो मुझे समझ नहीं है, वो आपको मैं दिखाऊंगा और यहाँ पे और भी आपको यहाँ पर बताता चलूँगा। तो देखिए जैसे कि हो सकता है कि आपकी जो आपका प्लांट है वो फंगस का शिकार हो गया है, जिसके कारण जो उसमें जो रूट्स हैं वो जैसे इसमें तो आप देख रहे हैं कि जो रूट्स हैं वो वाइट रंग की हैं, तो उसमें जो रूट्स रहेंगे कि वो जो है ब्लैक कलर की हो जाएंगी, जो आपका प्लांट ऑफ फंगस का शिकार हो गया, ये इसका दूसरा पॉइंट हो सकता है आपके प्लांट के साथ। ये पहला जो है चींटियों का अटैक हो सकता है, दूसरा जो है आपका प्लांट जो है फंगस का शिकार यहाँ पर हो सकता है। और देखिए बात करते हैं यहाँ पे फिर जो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या पे हो सकता है, देखिए ये हो सकता है कि आपका जो सॉइल है वो हर टाइम गीली होने के कारण जो है वो आपकी जो प्लांट है वो अब बिल्कुल जो उसमें ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो गया, जिसके कारण प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, ये इसका तीसरा पॉइंट है। तो एक जो चौथा पॉइंट है फेस जो आप सामने देख सकते हैं, जो मेरे प्लांट के यहाँ पे समस्या है वो क्या है यहाँ पे, वो है देखिए यहाँ पे रूट बॉन्डिंग। ये जो है मेरा प्लांट रूट बॉन्डिंग हो चुका है, इसको मैंने खाद वगैरह दी सब कुछ दिया, लेकिन इसकी जो है रूट्स नीचे तक जो है बाउंड हो चुकी हैं, नई रूट जो है जन्म नहीं ले रही हैं, खाना जो है वो अपटेक नहीं कर पा रही है, खाना नहीं खा पा रही है, जिसके कारण जो है प्लांट भी हमारा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो देखिए इसकी वाइट रूट्स है, तो देखिए अगर आप इस तरह से जो देखिए जो है रूट बॉन्ड हो चुका है हमारा प्लांट, अगर आप कहते हैं कि देखिए इसको है प्रूनिंग कर दीजिए रूट्स की, तो देखिए एक तो आप प्रूनिंग करने के लिए सही टाइम होना चाहिए, एक तो वो जो प्लांट है आपका ग्रोइंग सीजन में होना चाहिए, तब आप उसकी प्रूनिंग कीजिए। तो देखिए इसकी मैं प्रूनिंग नहीं करूँगा, उसके पीछे जो दूसरे रीज़न ये है कि इस समय देखिए एक तो गर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, और अब इस समय जो इसकी प्रूनिंग करूँगा तो ये प्लांट जो है जब अपने मोड पे आएगा, यानी ग्रोथ के मोड पे आएगा, तो इसका फिर डोरमेंसी पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, या जो है फ्लावरिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो उसके जो रूट प्रूनिंग हम नहीं करेंगे, एज इट इज़ इस प्लांट को हम रखेंगे, रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर रूट बॉल को डिस्टर्ब किया तो हो सकता है कि ये प्लांट तेज़ गर्मी के कारण जो है सर्वाइव ही ना करे और आपका ख़राब हो जाए। इसके लिए हम फ्रेंड्स करेंगे कि जो इसको जो हम बड़ा पॉट जो साइज़ है वो यहाँ पर दे देंगे, और जो इसके मैं अपने पुराने गार्डन की जो सॉइल है वही यहाँ पर यूज़ करूँगा। और देखिए यहाँ पर जो मैं पॉट यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मेरा एक प्लांट लगा है, तो वो प्लांट मेरा कौन सा है,
तो देखिए जो आप पीछे वाला पॉट देख रहे हैं, यही बड़ा पॉट का साइज़ है, यही हम अपने जो है इस प्लांट को देने वाले हैं। तो देखिए ये जो मेरा प्लांट था, ये भी था मेरा कीवी का प्लांट, जो कि मैंने अपना ही नया बाय किया था। देखिए अगर आप गर्म इलाके से हैं तो कीवी जो प्लांट है हमारा फ्रूटिंग प्लांट, उसको आप बिल्कुल भी बाय करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने जहन में या जो आपने सोचा हो कि मैं इस प्लांट को बाय करूँगा, तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये प्लांट जो है बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। मैंने इसके देखिए दोनों ही जोड़ा यहाँ पे परचेस किया था, इसके जो मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट मैंने बाय किए थे, और जो है बहुत ही अच्छी सी नर्सरी से बाय किए थे, काफ़ी महंगे प्लांट थे और ग्राफ्टेड थे पूरे। तो देखिए इसने जो है सर्वाइव किया, तीन लीव्स निकाली, देख सकते हैं यहाँ पर तीन लीव्स निकाली, और उसका देखिए प्लांट जो है पूरा मेरा ड्राई हो गया। इसके मेरे दो प्लांट थे और ये मेरा दूसरा वाला प्लांट है, एक जो है मैं पहले ही मॉर्निंग में खाली कर चुका हूँ, तो इसको भी हम यहाँ पर खाली करेंगे। तो देखिए इसकी जो मैंने बिल्कुल ही नई सॉइल यहाँ पे बनाई थी, तो यहाँ पे जो सॉइल में जो है मुझे बिल्कुल भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इस प्लांट का अगर मैं निकालूँ देखूँ तो इसकी जो रूट्स है वो आप देखेंगे ये फुली ट्रीटेड थी यहाँ पे, इसमें जो है केमिकल से बिल्कुल ट्रीट किया गया था, तो उसका भी देखिए जो है पूरा जिस तरह से ब्लैक हो चुका है, फंगस का शिकार हो चुका है ये। इस प्लांट में बिल्कुल भी जान नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है, अगर इसे आप तोड़ेंगे तो ये जो है यहाँ पर ब्रेक भी हो जाएगा। तो इसके सॉइल का जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो इसके पॉट को मैं यहाँ पे थोड़ा खाली कर लेता हूँ और इसके जो यहाँ पे हम रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पॉट है वो मैंने यहाँ पे खाली कर लिया है। तो फ्रेंड जैसे आपको मैं बता दूँ, देखिए अगर आपके प्लांट में इस तरह से अगर आपने जो खाली किया, अगर उसमें जो है चींटी का अटैक मिलता तो यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर करना चाहिए था। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से अगर जो रूट बॉल है उसको आपको पॉट से बाहर निकालने के बाद जो है आप इसको जो है 15 मिनट की जो है तेज़ सनलाइट दिखाइए, धूप में आप इसको रखिए इस तरह से खोल के। तो फ्रेंड जो जैसे ही यहाँ पे चींटी को धूप निकलेंगी तो जो चींटियाँ हैं इस उसके रूट बॉल से जो मिट्टी से है वो निकल के यहाँ पे चली जाएंगी, दूर हो जाएगी। और उसके फ्रेंड्स आपको करना है क्या, जब इस तरह से जब रूट बॉल को जो रिपोर्ट करेंगे तो उसमें जो है फ्रेंड्स आप नई मिट्टी के अंदर जो है एक तो हल्दी का उपयोग कीजिए, इसके कारण जो है देखिए जो हमारी हल्दी है उसमें काफ़ी एंटीबायोटिक जो है प्रॉपर्टी एंटी फंगल वगैरह की, उससे क्या कि एक तो चींटे का वगैरह का अटैक है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो आप वो अपने सॉइल में मिक्स कर लीजिए, और नीम की खली ये मिला के जो आपने प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए वापस से नीम सॉइल में, तो आपका प्लांट है सर्वाइव कर जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो बात करेंगे कि इस तरह से अगर आपकी जो रूट्स हैं इस तरह से ब्लैक निकलती तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर आपका प्लांट फंगस का शिकार होता तो भी मैं आपको यही कहता, इस तरह से जो रूट बोला आपको वो बाहर निकालना था। और निकालने के बाद क्या है कि फ्रेंड्स आपको एक दिन के लिए, देखिए एक दिन के लिए जो है तेज़ धूप में नहीं छावदार जगह में आपको रखना था। वहाँ पे फ्रेंड्स होगा कि क्या आपके जो इस तरह से जो निकालेंगे आप पौधे को बाहर तो जो आपकी मिट्टी है पूरी गीली मिलेगी, फिर होगा क्या कि जो एयर है वो उसको लगेगी तो आपकी जो सॉइल है वो सूख जाएगी। और सूखने के बाद क्या फ्रेंड्स आपने प्लांट को आप रिपोर्ट कीजिए, फिर उसमें जो है फंगीसाइड पाउडर का जो है पानी में आप घोल करके जो है अपने प्लांट में डाल दीजिए, तो उससे क्या फ्रेंड्स जितनी आपकी जो रूट्स हैं अगर वो रिपेयर होने वाली होंगी, जो फंगल से छुटकारा पाने वाली होंगी वो हट जाएंगी, और आपका प्लांट अगर सर्वाइव करने वाला है तो उसकी जो नई रूट्स है वो यहाँ पे ग्रोथ कर लेगा। तो एक तो ये था, और देखिए यहाँ जो रूट बॉन्ड था तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपको करना है क्या, इसको जो है डायरेक्टली हम जो नई सॉइल के साथ जो है अपने प्लांट को मैं बिना छेड़े जो है इसके रूट बॉन्ड को यहाँ पर शेड कर दूँगा अपने प्लांट को, और इसको अभी और थोड़ा और खाली करना पड़ेगा, तो इससे जो अपना रिपोर्ट कर देंगे तो आपको प्लांट है यहाँ पे दो दिन में रिवाइव कर जाएगा। और साथ में देखिए इसकी जो सॉइल है जब मैं रिपोर्ट करूँगा तो इसमें जो है आपको एप्सम सॉल्ट का जरूर से यूज़ कीजिए, अगर एप्सम सॉल्ट का जैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स तो मैं कहूँगा इसकी जो रूट्स है वो जल्दी बड़ी जल्दी से उसको लेंगी, और जो आपकी ऑलरेडी इस तरह से देख रहे हैं जो पत्ते का जो पीला कलर है ये इसमें ग्रोथ होगी, इसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो है वैल्यू बढ़ेगी और ये अपना जो है नई ग्रोथ बड़ी जल्दी से करेगा। अब इसको देखिए मैंने इस तरह इसमें टिका दिया है और इसमें जो हम सॉइल से फिल कर देंगे और इसमें हम डालेंगे एप्सम सॉल्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो ले लिया है एप्सम सॉल्ट जो इस तरह से आपको जो है वाइट रंग का दिखाई देता है, या आपको जो है चीनी दाने जैसे या जो नमक जैसे दिखाई देगा, लेकिन ये वो नहीं है, ये अलग रहता है, आप ना नमक समझ के बिल्कुल मत डाल दीजिए। तो ये देखिए इसमें कुछ दाने इस तरह से मैं इसमें डाल दूंगा, नहीं तो फ्रेंड देखिए आप जो है पहले रिपोर्ट कर लीजिए और जो है बाद में जो आप इसका पानी बना के भी जो अपने प्लांट में इस तरह से डाल सकते हैं, उससे भी जो है आपको प्लांट रिवाइव कर जाएगा जल्दी से। तो देखिए इसका जो वापस से सॉइल से मैंने इसको फिल कर दिया है और इसमें अब हम कर देंगे वाटरिंग। और देखिए आपको जब इस तरह से प्लांट आपने बाहर निकाला है और रिपोर्ट किया है, अगर निकालते समय आपका जो रूट बॉल कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है तो कम से कम जो है आप दो दिन के लिए जो है इसको इंडोर में रखिए, यानी कि जो है छावदार जगह में रखिए, डायरेक्ट धूप में मत रख दीजिए,
और जैसे कि अभी मैंने टूटा था रूट बॉल मेरा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो इसको जो है मैं एक दिन के लिए यहाँ पर पानी डाल के जो है यहाँ पर रखूँगा और फिर जो है बाद में इसको सनलाइट में जो है हाफ डे सनलाइट में इसको बाहर मैं निकाल दूँगा, ये प्लांट जल्दी से रिवाइव कर जाएगा और इसकी जो ग्रोथ ओवरऑल जो है आपको मैं फिर किसी और जो वीडियो जब शूट करूँगा उसमें आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँगा।